चलिए अब कुछ दर्शकों से बातचीत करते हैं। अब हमारे साथ अगले दर्शक है संदीप, पंजाब से जुड़े हैं फोन लाइन पर। नमस्कार संदीप, पूछिए क्या सवाल है एक्सपर्ट से। संदीप आप सुन पा रहे हैं? चलिए संदीप आपकी आवाज हमें क्लियर नहीं मिल पा रही है, लेकिन सवाल जी सर लोन लेना चाहता हूँ। विलेज एरिया बता रहा है, प्लॉट के लिए कमेटी के अंदर आएगा विलेज, तो उसके ऊपर जब लोन लेते हैं तो क्या फॉर्मेलिटीज होंगी, क्या मुझे लोन मिलेगा या फिर उसकी ईएमआई कहाँ तक निर्धारित होगी, और 20 साल तक मैं लेना चाहता हूँ। चलिए तो मेन यहाँ पे जो कंसर्न है वो ये है कि जो प्लॉट है जिसकी ये बात कर रहे हैं वो रूरल एरिया में आता है। बलवंत साहब क्या मुश्किल होगी इनके लिए लोन मिलना, देराबस्सी इलाके की बात कर रहे हैं? मतलब ये नॉर्मली जो बैंक्स वगैरह हैं वो आपको रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए लोन देते हैं, कुछ बैंक्स आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी भी खरीदो तो उसके लिए लोन देते हैं, पर उसमें क्या है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी से इनकम की अश्योरेंस होनी चाहिए। संदीप जी मेरे को लग रहा है कि रूरल एरिया में कोई प्लॉट लेके उस पर कमर्शियल बिल्डिंग वगैरह बनाने की सोच रहे हैं, वहाँ पर जो रेंटल वगैरह की अश्योरेंस नहीं है, तो कोई भी लेंडर मेरे हिसाब से रूरल एरिया में कमर्शियल बिल्डिंग के लिए कंस्ट्रक्शन के लिए लोन नहीं देगा। परंतु अगर आप अर्बन एरिया में चाहते हैं कंस्ट्रक्शन करना प्लॉट लेके, तो आप कुछ बैंक्स को अप्रोच करें तो आपको ये लोन मिल जाएगा। चलिए तो आप कोऑपरेटिव बैंक्स जो आपके एरिया में होंगे वहां पर एक बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं और फिर आगे बढ़ सकते हैं। शायद क्योंकि रूरल एरिया में आप ये प्लॉट हो सकता है कि कुछ दिक्कत हो, लेकिन आप अपने एंड से अप्रोच करके देखें बैंक्स को भी और साथ ही कोऑपरेटिव बैंक्स को भी। चलिए फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, कुछ और सवाल है उन्हें शामिल करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।